हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के वेज पकौड़े। इसको सूजी के भजिए भी बोल सकते हैं। बरसात का सीजन चल रहा है और बरसात में पकौड़े खाने का तो अलग ही मजा है। बेसन के पकौड़े तो हमने बहुत बनाए हैं और बहुत खाए हैं, पर आज हम जिस तरह से पकौड़े बनाएंगे उसमें सिर्फ सूजी का ही यूज करेंगे, बेसन का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सूजी के वेज पकौड़े बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कप सूजी। इसको सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी दही, ये आधी कटोरी मैंने दही लिया है। इसको हम सूजी के साथ ऐड करेंगे और साथ में ही मैं मिलाऊंगी नमक स्वाद के अनुसार। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सूजी और दही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें लगभग 1/2 कप जितना पानी लगा है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं, हम सूजी को चेक कर लेते हैं। सूजी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप स्वीट कॉर्न। साथ में मैं मिलाऊंगी शिमला मिर्ची, ये 1 शिमला मिर्ची को मैंने बारीक कट कर लिया है। और साथ में मैं डालूंगी पत्ता गोभी 1/2 कप, इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 प्याज, इसको भी मैंने बारीक कट किया है। और साथ में मैं डालूंगी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। सभी वेजिटेबल्स को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी वेजिटेबल सूजी के साथ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्ची, ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ में मिलाएंगे थोड़ी सी हींग और अब इसमें लास्ट में मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। पकौड़े बनाने के लिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ और इनको तल लेते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और तेल गर्म हो गया है। अब हम पकौड़े डालेंगे। इसके लिए मैंने बैटर को इस तरह से हाथ में लिया है और इस तरह से हम इसको डालेंगे। बैटर को हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं पकौड़े डाल रही हूँ। ये मैंने पकौड़ों को कढ़ाई में डाल दिया है। एक बार में हम उतने ही डालेंगे जितने कढ़ाई में आएंगे। अब हम इनको थोड़ा सा तलने देंगे। जब ये तलकर थोड़े से ऊपर आ जाएंगे उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे। ये देखिए पकौड़े तलकर थोड़े थोड़े ऊपर आ गए हैं। अब हम इनको टर्न कर लेते हैं। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम थोड़ा सा सिकने देंगे और बीच बीच में इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे। ये पकौड़े सभी तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी। और बाकी बचे हुए पकौड़े भी मैं इसी तरह से तल लूंगी। ये सभी पकौड़े तलकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे क्रिस्पी बने हैं और अंदर से भी बहुत सॉफ्ट है। खाने में भी ये बहुत टेस्टी बने हैं। अगर आप इन पकौड़ों में सोडा ना डालना चाहें तो आप सूजी को 1 घंटा पहले गला सकते हैं, तब भी उतने ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।